जहाँ फिशिंग हो रहा था। फिशिंग का जो लवर्स है कैलकटा में या वेस्ट बंगाल में कहीं भी यहाँ आके फिशिंग कर सकते हैं। पूरा नए बिहार है इसमें। ऑल राइट जी, पहुँच गए हम लोग मुआना। Don't try to stop me, I exist to remember your story. वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, यू आर वॉचिंग स्वेल व्लॉग्स। दिस इज द नेक्स्ट, हम लोग जुनपुर की तरफ गए और उसके बाद एक और बीच गए थे, नाम हमको याद नहीं आ रहा, हरिपुर गए। वहाँ पर कुछ मिला नहीं, कुछ समझ आया नहीं, तो वहाँ से दीघा 50 किलोमीटर दूर था तो हम लोग वहाँ आ गए। अभी हम लोग रूम में हैं और दीघा का कल दिन भर कुछ किया नहीं खास, और ऑलरेडी व्लॉग हम बना चुके हैं, अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, अभी हम लोग निकलने वाले हैं मुआना बीच के तरफ। इससे पहले मुआना बीच गए हैं लेकिन काफ़ी दिन हो गया गए हुए, सो हम सोचे क्यों ना वहाँ जाए, उसको देखें, एक्सप्लोर करें और लेंस के थ्रू आप लोगों को भी दिखाएं। तो बने रहे हमारे साथ। और दिस इज़ द रूम, इससे पहले भी रूम में हम लोग रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक हम लोग को बाइक निकालना चाहिए और बाइक निकाल के निकल जाना चाहिए यहाँ से। अभी आपको वहाँ रास्ते पर मिलते हैं, रास्ते पर बात करते हैं। ऑल राइट जी, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं मुआना के लिए। हाँ, मुआना बीच है, ज़्यादा दूर नहीं है, 8-9 किलोमीटर मेरे ख्याल से दीघा से होगा। और मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये जो आप देख रहे हैं शिप के तरह बना हुआ, ऑस्ट्रेलिया मुआना नहीं यार, ये जो आप शिप की तरह देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ यहाँ पे कैसे बोलते हैं, 7D शो, रहने का इंतज़ाम, रेस्टोरेंट वगैरह सब है यहाँ दीघा में। बहुत ही अच्छा तरीके से इसको बनाया गया है। और दिस इज़ द रोड ऑफ न्यू दीघा। Make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just want. Dada, Moana rasta rache ekhan theke? Moana? Ha? Ekhan theke jawa jabe na? Thik ache, thank you. Thik hai, hum log andar andar rasta se ja rahe hain. सीधा जाने बोला यहाँ से, सीधा बोला जाने, अरे यार फिर गली गली जाएंगे हम लोग, फिर आ गए दीघा गली में हम लोग। हमको तो यहाँ तक याद है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ऐसे, ये गली में आए नहीं कभी हम लोग। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ से, इतना बड़ा स्कॉर्पियो आ गया सामने। अभी कहाँ जा रहा है, अभी अंदर जगह है, बेकार है दादा, मुआने जाबो। थैंक यू, ठीक है दादा, सो जाएगी है दांडी के, अच्छा खासा मेन रोड से जा रहे थे तेरा। इससे पहले भी वो जो कहाँ, हरिपुर जा रहे हैं, वो भी गली। नहीं हरिपुर नहीं, जुनपुर। नहीं, हाँ जुनपुर था। ए तो मुआना भैया सीधा जाके राइट लेने बोले, ठंडा में आने से इधर ठीक है, गर्मी में ऐसे घूमने से ना, यहाँ पर चिलचिला के आदमी बोलेगा। सो जाएगी दान दी के, देखो रास्ता कट रहा, मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, पूछ लें लोग से, आगे तो मेन रोड है। अरे हमको लग रहा छोड़ दिया हम लोग। गाड़ी कहाँ लगाए, तो
थोड़ा सा छाँव में लगाएंगे। मिस्टी जल देवे किंतु अरे डाब पी के होगी हम लोग का, हम लोग खाएंगे नारियल। पूरा नहीं व्यार है इसमें। वो ही चाहिए उसको, उसमें जो लगा हुआ है खत्म हो गया इसमें। खाए खाए क्या पैसे दे दी। ऑल राइट जी, पहुंच गए हम लोग मुआना। ये तो दरिया और इसका ये है ना, यहाँ पर सुना शायद हम दरिया और समुंदर का मिलन शायद। हाँ नाम नहीं मालूम, लेकिन यहाँ एक दरिया और समुंदर का मिलन होता है। और क्या अमेजिंग जगह है, इसलिए क्योंकि ओवर क्राउडेड नहीं है। ठंड के टाइम आने के बाद, ठंड के टाइम ही आ सकते हैं, गर्मी में तो बहुत गर्मी लगेगा। ठंड के टाइम आके सो काम का हो, चलो चलो। और प्लस भीड़ कम है, जो भीड़ से थोड़ा भागता है यहाँ पर आने के लिए ज़बरदस्त है। हम लोग दीघा जाते हैं, दीघा का सी बीच में आज के डेट में उतना नहीं उतरते, आफ्टर सनसेट वगैरह तभी उतरते। शंकरपुर है, मुआना है ना, मुआना शंकरपुर ये वाला। अच्छा वो वाला शंकरपुर है ना, ये मुआना है, वो ताजपुर है। हाँ जो सादा सादा दिख रहा है। सो दादा बोल छे एटा शंकर, एटा मुआना ना, एटा मुआना ओटा शंकरपुर, वहाँ जो है वो शंकरपुर है, उधर दूर दिखता नहीं होगा सही से। यहाँ सादा सादा जो दिख रहा है यहाँ पर वो शंकरपुर है। शंकरपुर नहीं, कहा भूल जाए यार हम, वो शंकरपुर, वो ताजपुर, तीनों समुद्र एक जगह, गजब लग रहा है। आराम से हो, सूता फंस गया वाला नौका में। मछली है ना यार, हमको नौका है फंसा उसका सूता। तुमको कहाँ लग रहा है, लोग ऐसे बैठेगा, लोग लोकल टूरिस्ट लग रहा है ये लड़का। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ, दीघा सी बीच से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं इधर? मतलब शांति है इधर, इसीलिए ज़्यादा मजा है इधर भीड़ भाड़ में। और एक चीज, हम लोग बैठ गए थोड़ा आराम करें, हवा बहुत चल रहा है, आई डोंट नो आवाज़ आएगा कि नहीं, आना तो चाहिए। अब हम लोग थोड़ा बैठे हैं आराम करें, थोड़ा देर यहाँ बैठेंगे, टाइम बिताएंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। या फिर कहीं और मत, यहाँ नहीं करके या इस साइड किया वो साइड मिलेगा सब जगह में। और एक जी, सो मोहना घूम के हमारा हो गया, मोहना या मोहना हो गया, यहाँ फिशिंग हो रहा था, फिर
फिशिंग का जो लवर्स है कैलकटा में या वेस्ट बंगाल में कहीं भी यहाँ आके फिशिंग कर सकते हैं। और प्लीज़ आने से लोकल का रिस्पेक्ट कीजिएगा, यहाँ सब आने से लोकल का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जाएँ, कहाँ जा रहे थे? शंकरपुर ना। अभी प्लान बना है हम लोग शंकरपुर जाने का, तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। कसम से बहुत हकपकाती हो कभी कभी, इत्मीनान से चलो, अब कुछ नहीं होगा। रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते अंदर लेके आया, हमको बोल रही रुको हम चलाएंगे, दे दिया चलाने, तो हमको बोल रही नहीं नहीं तुम चलो। Two hours later. जा रहे थे, थोड़ा सा गाड़ी डिसबैलेंस हो गया, होने के बाद हल्का सा गाड़ी में थोड़ा बहुत चोट आया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से ही जा रहे थे, थोड़ा सा गाड़ी लेके इधर उधर हो गए। ये गाड़ी का हेडलाइट थोड़ा सा निकल गया है, और ये ना ये यहाँ सट गया जाके चक्कर में, और यहाँ का स्टैंड टेढ़ा हो गया पूरा। सो वी आर बैक एट द होटल राइट नाउ। थोड़ा तो गाड़ी का काम वगैरह था जो थोड़ा सा बैंड वगैरह हो गया था, उसको करवा लिया है। करवाने के बाद डिसाइड किया है कि टुडे वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, जो शंकरपुर का प्लान था कैंसिल कर दिया, वो हम लोग कल जाएंगे। कल शंकरपुर जाएंगे, कल ताजपुर जाएंगे, कल उदयपुर भी जाना है, वहाँ से पूरा कर करा के उसके बाद हम लोग अगले दिन घर जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ भी अगर देख रहे हो तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, राइड सेफ, स्टे सेफ। Don't try to stop me, I exist to rewrite your story.